हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं HTK और HTK प्लस किया सेल्टोस की ये दो गाड़ियां हैं जिनको लेने के लिए काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे HTK लेनी चाहिए या फिर HTK प्लस लेनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। वन बाय वन मैं आपको बताता जाऊँगा कि दोनों कार्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेज हैं, और वो डिफरेंसेस वाकई में जो रेट में डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के हिसाब से जो हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं क्या वो वैल्यू रखते हैं, वो हम आगे चल के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं इंजन टाइप। सो 1.5 लीटर यानी कि डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 1497 cc के इंजन दोनों ही गाड़ियों में है। गाड़ी में इंजन जो है वो सेम ही रहता है बेस वेरिएंट से लेके टॉप एंड वेरिएंट तक। उसके बाद बात आ जाती है मेन डिफरेंस की कि गाड़ी का ऑन रोड, अगर मैं HTK खरीदता हूँ और HTK प्लस खरीदता हूँ तो प्लस का मुझे कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो वो लगभग 1,20,000 जो है वो मुझे HTK प्लस के लिए ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब वो क्यों देना पड़ रहा है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इंजन की हमने बात कर ली, माइलेज लगभग दोनों की सेम है, 11.5 के आसपास और 16 के अराउंड आपको इस गाड़ी में माइलेज मिलने वाली है। दोनों ही गाड़ियों के इंजन सेम हैं। सो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भी दोनों की सेम है, 50 लीटर तक आप गाड़ी में जो है फ्यूल भर सकते हैं। अब बारी आ जाती है मेन डिफरेंस डिस्कस करने की। दोनों गाड़ियाँ जब सेम है, इंजन सेम है, फ्यूल कैपेसिटी सेम है, बूट स्पेस सेम है, तो डिफरेंसेस क्या हैं। सो डिफरेंसेस वन बाय वन हम सबसे पहले सस्पेंशन से स्टार्ट करेंगे। सस्पेंशन में सिमिलैरिटी सब कुछ सेम है, बट व्हील में आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे HTK प्लस में, जबकि आपको HTK में अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में R16 इंचेस के व्हील लगे हुए हैं। आगे जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से। तो सबसे पहला डिफरेंस है गाड़ी का जो बूट स्पेस, जो गाड़ी का बूट ओपनर है, दैट इज़ आप उसको रिमोट से ओपन कर सकते हो HTK प्लस में। एंड सेकंड जो है वो रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, रिमोट से आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। सो ये दो डिफरेंसेस हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि अगर आपकी गाड़ी रिमोट के साथ ओपन नहीं हो रही है, आप गाड़ी को रिमोट से ओपन कर रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये वाला फीचर अवॉइड भी आप कर सकते हैं। और दूसरा फीचर जैसे कि मैंने बताया कि रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और मुझे लगता भी नहीं कि प्रैक्टिकलिटी में ये कितना रियल सेंस में मीनिंग रखता है, इसका कोई यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट, क्रूज कंट्रोल मोड। आपको HTK में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, जबकि HTK प्लस में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो, इसमें भी आपको ये अगेन रीथिंक करना पड़ेगा कि अगर आपका यूसेज जो है गाड़ी का, आप बहुत सारा ट्रैवलिंग जो है वो हाईवे पे करते हैं, तो आपको इस ऑप्शन के लिए, इस फीचर के लिए पैसा गाड़ी पे लगाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, अगर आप सिटी एरियाज़ में रहते हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप स्पीड जो है वो 60 से ऊपर, 70 से ऊपर आप गाड़ी चलाते ही नहीं हो, तो वहाँ इस चीज़ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। सो नेक्स्ट आ जाता है स्मार्ट कार्ड एंट्री। सो ये थोड़ा सा मुझे लग सकता है कि यस, इसका होना ना होना लगभग बराबर ही है, बट आप रियली किसी को थोड़ा कंफर्ट दिखाना चाहते हो या थोड़ा स्टाइल दिखाना चाहते हो, तो यस, आप इसके साथ एंट्री कर सकते हो। थोड़ा सा आप थोड़ा और इम्प्रेसिव बना सकते हो गाड़ी को, बट मुझे नहीं लगता उसके लिए आप 1,00,000 ऊपर वाले वेरिएंट के लिए आपको जाना चाहिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन, ये बताइए मुझे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन अगर नहीं होगा तो चाबी से इतनी सारी, मतलब 90% कार जो है वो चाबी से स्टार्ट हो रही है। सो आई डोंट नो कि ये लगाया ही क्यों गया स्टार्ट स्टॉप वाला ऑप्शन, क्योंकि हम चाबी से जब गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब रह जाता है, वो मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। स्टेयरिंग माउंटेड ट्रिप मीटर है, तो भाई अगर आप मीटर से उसको, ट्रिप मीटर को सेट कर लोगे, सो उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाता, जिसके चक्कर में हम इनको, इस गाड़ी को परचेज़ करने के लिए इतना पैसा ऊपर से लगा दें। स्टेयरिंग माउंटेड ट्रिप मीटर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। हैंड फ्री टेल गेट, अच्छा हैंड फ्री टेल गेट है, मतलब अगर हम थोड़ा सा उसको धक्का लगा देंगे वो टेल गेट को ओपन करने के लिए, तो उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ऐसे हम
अपना वर्कआउट करने के लिए जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बट थोड़ा सा उसको ऊपर उठाना हम सही नहीं समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट कंफर्ट का डिफरेंस है, दैट इज़ रियर कर्टन। आपको इसमें पीछे एक कर्टन भी मिल जाता है। बाकी एडिशनल फीचर हैं लाइक सनग्लास होल्डर, असिस्ट ग्रिप, फिक्स्ड टाइप गोट हुक, रूम लैंप, कंसोल लैंप, एयर कंडीशनर, इको कोटिंग, ये सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इन दोनों ही कार्स में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे जो डिफरेंस है वो इंटीरियर की अगर बात करें हम, तो लेदर रैप्ड गियर शिफ्ट सिलेक्टर। आपको जो गियर शिफ्ट सिलेक्टर है उसमें लेदर की रैपिंग मिलेगी HTK प्लस में, HTK में आपको वो नहीं मिलने वाली है। जबकि ड्यूल टोन डैशबोर्ड भी आपको HTK प्लस में ही मिलने वाला है। सो अगर ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं या बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं तो आप HTK प्लस के लिए जाओ। बट मुझे नहीं लगता कि आपको इन थोड़े बहुत डिफरेंसेस के लिए, जो आप खुद से मैनेज कर सकते हो, उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से एक ही मेजर इसमें कंपोनेंट है, दैट इज़ अलॉय व्हील। अगर आपको अलॉय व्हील बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं, और आपको बाकी सारे फीचर तो फिर मिल ही रहे हैं, बट मेजर कंपोनेंट जो है वो है अलॉय व्हील मेरे हिसाब से। बट अगर आप अलॉय व्हील को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको HTK प्लस परचेज़ करने की। उसके बाद सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दोनों ही कार्स में HTK प्लस में आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको, जबकि HTK में ये नहीं मिलते हैं। उसके बाद आपका जो एंटी पिंच विंडो है, मान लीजिए किसी बच्चे ने हाथ रखा हुआ और आप विंडो को ऐसे ऑपरेट कर देते हो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि बच्चे का या किसी का भी हाथ जो है वहाँ पे पिंच हो सकता है। तो वो अच्छा फीचर लगा मुझे, बट ये सिर्फ आपको HTK प्लस में मिलेगा। और इसमें भी एक ट्विस्ट है कि ये सिर्फ ड्राइवर वाली विंडो में, जो ड्राइवर की विंडो होती है उसी में आपको मिलने वाला है। सो वो बच्चों की सेफ्टी वाला पॉइंट भी यहाँ से ख़त्म हो गया, सिर्फ ड्राइवर वाली साइड है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ड्राइवर ऐसे ऑपरेट कर रहा है और ऐसे हाथ रख के वो उसको ऊपर करेगा। सो ये फीचर भी मेरे हिसाब से यूज़फुल नहीं है, उतना फिजिबल नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, बच्चों के लिए दूसरी विंडोज़ में होता तो मैं फिर भी आपको सजेस्ट करता कि ये वाला आपको लेना चाहिए था। सो ये सारे डिफरेंसेस थे, बट 1,20,000 मुझे लग रहा है कि ये जस्टिफाई नहीं करते हैं। सिर्फ इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन मुझे लग रहा है वो अलॉय व्हील्स का है। अलॉय व्हील्स अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो बाकी के ये फीचर लाइक रिमोट ट्रंक ओपनर, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप, बेल्ट, क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट की, एक्सेस कार्ड एंट्री एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारे फीचर्स भी आपको मिल सकते हैं। बाकी जब आपने मन बना ही लिया है इसको परचेज़ करने का, सो बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको परचेज़ करनी चाहिए। माइलेज भी इसकी ठीक ठाक है इंजन की सीसी के हिसाब से, एंड आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, अच्छी बूट स्पेस आपको मिलती है, कैबिन की इंटीरियर स्कीम्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। बट ये कंपैरिजन वीडियो था सिर्फ HTK में और HTK प्लस में। सो मुझे नहीं लगता मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप HTK प्लस के लिए, सिर्फ अलॉय व्हील के लिए आप 1,20,000 ज़्यादा खर्चने के लिए आप प्लान करो। तो आई थिंक मैंने जो सारे डिफरेंसेस थे वो इसमें कवर कर दिए, और जो आपकी कन्फ्यूज़न थी उसको काफ़ी हद तक क्लियर करने में मैं कामयाब हुआ हूँगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने सारे डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अलॉय व्हील के लिए इतने ज़्यादा पैसा और लगाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। आप एक अच्छे खासे व्हील कवर लगा के भी मैनेज कर सकते हो, बाकी चीज़ें जो हैं वो निग्लेजिबल हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे होने या ना होने से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।